ये है श्री देवी जी का घर और इसी में तब्बू और जूही चावला भी रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ एक बॉलीवुड की ऐसी सुपर एक्ट्रेस के घर पे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं के बिल्डिंग में दो एक्ट्रेस और रहती हैं जिनका नाम है जूही चावला और तब्बू। आज की इस वीडियो में हम गाइज आपको श्रीदेवी जी का घर दिखाने वाले हैं। जो जाह्नवी कपूर हैं उन्हीं की बेटी हैं और जो बोनी कपूर हैं उनके हस्बैंड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी जी का, तब्बू जी का और जूही चावला तीनों एक्ट्रेस का घर दिखाने वाला हूं कि श्रीदेवी जी किस घर में रहती थीं और अब उस घर में उनकी बेटी जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और उनके बेटे और बोनी कपूर रहते हैं अभी भी, और वो कहां पर घर है सब कुछ बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो जूही चावला जी हैं और जो यहां पर तब्बू हैं वो उस बिल्डिंग के किस माले पर रहती हैं, उनका नेटवर्थ क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। फिलहाल हम आए थे यहाँ पर श्रीदेवी जी के घर का ब्लॉग शूट करने, लेकिन हमको यहाँ पर आने से पता चला है कि इसी बिल्डिंग में ये तीनों एक्ट्रेस रहती हैं। फिलहाल आपको तो पता होगा कि दुबई में भी श्रीदेवी जी की डेथ हो गई है, लेकिन अभी उनकी जो बेटी हैं यहाँ पर जाह्नवी कपूर जी, वो लोग यहीं पर रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनका घर देखने वाले हैं, पूरा उनके घर को एक्सप्लोर करेंगे। और उसी बिल्डिंग में यहाँ पर जूही चावला जी भी रहती हैं, तब्बू जी भी रहती हैं। तो चलिए उनके घर पे चलते हैं और आपको ब्लॉग शूट करके सब कुछ उनके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मुंबई के लोखंडवाला में और ठीक हम श्रीदेवी जी के घर के सामने खड़े हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है यही इनके घर का मेन गेट है, मतलब इनकी बिल्डिंग का। और आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग में जूही चावला और तब्बू जी भी रहती हैं। पहले हम यहाँ पर श्रीदेवी जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको जूही चावला और तब्बू के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रीन एकर्स, साइड में देख सकते हैं और गेट के बगल में लिखा हुआ ग्रीन एकर्स। और इसी ग्रीन एकर्स में, इसी बिल्डिंग में उनका बहुत ही शानदार घर है, जहां पर अब उनके पति बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटी खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर अभी भी रहती हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि श्रीदेवी जी जो हैं उनके पास कितनी संपत्ति थी और उनका कार कलेक्शन वगैरह कितना था और वो इस बिल्डिंग में कौन से माले पर रहती थी, पहले इसके बारे में जान लेंगे। और उसके बारे में हम आपको जूही चावला के भी बारे में बताएंगे कि वो किस माले पर रहती हैं, और उसके बाद तब्बू जी के भी बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो तीनों एक्ट्रेस हैं ना वो लोखंडवाला के इसी ग्रीन एकर्स बिल्डिंग में रहती थी। मतलब अभी तो जूही चावला और तब्बू जी रहती हैं, लेकिन श्रीदेवी जी रहती थी, क्योंकि आपको पता है कि 2018 के टाइम में उनका डेथ हो चुका है दुबई में। तो चलिए थोड़ा सा श्रीदेवी जी के बारे में अच्छे से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना साइड में, ये है बोनी कपूर, श्रीदेवी जी के यही हस्बैंड हैं। और बगल में ये जो तस्वीर देख रहे हैं, श्रीदेवी जी की दोनों बेटी खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र तक लगभग 300 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति जमा कर ली थी, जिसमें उनके 3 घर और 7 गाड़ियां भी शामिल हैं। इनके अलावा वो लक्स और तनिष्क जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड की एम्बेसडर भी थी। और वहीं पर बताया जाता है कि वो हर फिल्म के लिए करीब 3.5 से 4.5 करोड़ तक रुपये फीस भी लेती थी। इनकी कुल संपत्ति में इनके पति बोनी कपूर की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। जी, आपको बता दें कि अगर दोनों लोगों की हिस्सेदारी मिला दिया जाए संपत्ति के मामले में तो 500 करोड़ का हो जाएगा। और आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे श्रीदेवी जी का घर है, जहाँ पे अब उनके पति और उनकी बेटियाँ रहती हैं। और आपको हम बता दें कि इसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे जूही चावला और 13वें माले पर यानी 13वें फ्लोर पे तब्बू जी रहती हैं। दोस्तों, 2018 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उससे कुछ ही दिन पहले इन्होंने हाल ही में 2 करोड़ रुपए की एक बेंटले लग्जरी कार भी खरीदी थी। हालांकि श्रीदेवी को गाड़ियों का बहुत कम शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी छोटी गाड़ियां नहीं खरीदी थी। श्रीदेवी के पास कुल 7 गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। इन गाड़ियों में ज़्यादातर ऑडी और फोर्ड शामिल है। और श्रीदेवी ने अपनी कमाई से 3 घर भी खरीदे थे। इनकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में करीब 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम अयप्पन यंगर था और इनके माता का नाम राजेश्वरी यंगर था और श्रीदेवी जी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। और इनके जो बच्चे हैं जानवी कपूर, खुशी कपूर, अंशुला कपूर और अर्जुन कपूर हैं। श्रीदेवी जी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था, जहां पर ये अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ गई हुई थी और जब ये नहाने के लिए गई थी तो बाथ टब में ये डूब गई थी। और इनके जो पति हैं बोनी कपूर, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के उनको निकाला, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन ये बच नहीं सकी थी। जब इनकी डेड बॉडी मुंबई आई थी तो इनके इसी ग्रीन एकर्स के सामने बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी थी। और आपको बता दें कि यहीं पे एक ग्लोबल पार्क है, उनकी जो डेड बॉडी है वो वहीं पर रखी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यही श्रीदेवी जी का पूरा घर है जहां पर वो रहती हैं। यही वो बिल्डिंग है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे श्रीदेवी जी का आशियाना था और फिलहाल यहाँ पर उनकी फैमिली अभी रहती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जूही चावला जी के बारे में। तो जूही चावला जी भी इसी ग्रीन एकर्स के 5वें माले पर रहती हैं और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी जी थी। जी हाँ, इसीलिए वो मुंबई में जहाँ पर श्रीदेवी जी रहती थी उन्हीं के बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर अपना अपार्टमेंट खरीद के रहती थी। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। जूही चावला के पिता पंजाबी और माता गुजराती हैं। इनके पिता भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी थे। इनके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर एस चावला और इनकी माता का नाम स्वर्गीय मोना चावला था। और इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम अर्जुन मेहता है और बेटी का नाम जानवी मेहता है। जूही चावला 90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थी। और आपको बता दें कि ये उस समय 20 लाख रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज किया करती थी। साल 1995 में जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी। जय मेहता $350 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं और वहीं जूही चावला अकेले 70 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी की मालकिन हैं। जूही चावला के पास मुंबई के मालाबार हिल्स में एक लग्जरी अपार्टमेंट है। इस घर में वह अपने पति, बेटे और बेटी के साथ रहती हैं। घर की छत से एक बेहतरीन व्यू आता है। वहीं जूही चावला ने हाल ही में एक नई लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है। मापगांव स्थित इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 1.89 करोड़ रुपए है। जूही चावला की अगर कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास जगुआर XZ कार है, इसकी कीमत लगभग 1.11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास ऑडी Q7 कार भी शामिल है जिसकी कीमत 78 लाख रुपए है। और जूही चावला इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की सह मालकिन भी हैं। उन्होंने ये टीम शाहरुख खान के साथ मिलकर खरीदी है। जूही चावला को अक्सर स्टेडियम में टीम का हौसला बढ़ाते हुए बहुत बार देखा गया होगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो आप लोग ग्रीन एकर्स की बिल्डिंग देख रहे हैं इसी के 5वें माले पर जूही चावला अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। तो गाइज अब यहाँ पर श्रीदेवी जी और जूही चावला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अब बारी है तब्बू के बारे में बताने का। आपको बता दें शायद ही लोगों को पता हो कि इनका असली नाम तब्बू नहीं बल्कि तबस्सुम फातिमा हाशमी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तब्बू के पिता का नाम जमाल हाशमी और माता का नाम रिजवाना था। तब्बू जब छोटी थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। तब्बू की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो करीब 7 मिलियन US डॉलर है जो कि भारतीय रुपयों में बताए तो आपको 52 करोड़ रुपए के बराबर है। तब्बू फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा पैसा पाने वाली अभिनेत्री हैं। आपको बता दें कि तब्बू की मासिक आय 35 लाख रुपये है और वहीं ये एक फिल्म के अभिनय के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपये चार्ज भी करती हैं। तब्बू की कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास देश की महंगी और लोकप्रिय कार भी मौजूद है जिसमें BMW 7 सीरीज शामिल है। इस कार की कीमत 1.3 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके कार कलेक्शन में ऑडी Q7 भी है। इस कार की कीमत 80 लाख रुपए से ज़्यादा है। अभिनेत्री तब्बू देश की अमीर एक्ट्रेस में आती हैं और इनके पास एक शानदार घर भी मौजूद है।
इस घर के अलावा तब्बू के पास अलग अलग राज्यों में भी संपत्ति है और हैदराबाद में भी इनका काफ़ी सुंदर सा मकान है। तो यही ग्रीन एकर्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन एकर्स की बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर ग्राउंड भी बना हुआ है, बहुत ही शानदार सा ग्राउंड है। और देखिए वहाँ पर अंदर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। तो बहुत ही वीआईपी इलाका है ये लोखंडवाला का, जहाँ पे हमारी ये तीनों अभिनेत्री रहती हैं। फिलहाल श्रीदेवी जी का परिवार अब रहता है, लेकिन जूही चावला और तब्बू जी और जाह्नवी कपूर जी अभी भी इसी ग्रीन एकर्स में रहती हैं।